eye to eye! Sharingan versus Sharingan! नहीं, आपको अपनी कचरा नॉवेल के लिए रिसर्च करने जाना है तो मैं आपके साथ क्यों चलूं हैं? मुझे नहीं जाना। देखो बच्चे, मेरा यकीन मानो, ये कोई ऐसी वैसी ट्रिप नहीं है। मुझे एक लड़की को ढूंढने जाना है और उसका मिलना बहुत जरूरी है। तब तो मैं बिल्कुल नहीं आने वाला बाबा। आपको अगर किसी लड़की से मिलने जाना है तो खुद जाइए, मैं अपनी ट्रेनिंग में बिजी हूँ। कौन सी ट्रेनिंग? मुझे काकाशी सेंसेई से कुछ धासु जुत्सु सीखना है, जैसे वो चिदोरी जैसा। वो हमेशा सासुके को ही सब कुछ क्यों सिखाते हैं? अच्छा बेटा, फिर तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि चिदोरी तुम्हारे साल का जुत्सु है ही नहीं। हाँ वैसे भी पपलू, हम जिस लड़की को ढूंढने जा रहे हैं वो बहुत खूबसूरत है और सॉफ्ट सॉफ्ट भी। मुझे उससे क्या? देखो छिछोरे बाबा, मैं कोई लल्लू पंजू बच्चा नहीं हूँ जो आपकी मीठी मीठी बातों में आ जाऊंगा। मैं नहीं जाने वाला। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। मैं तो तुम्हें ऐसा जुत्सु सिखाने वाला था जिसके आगे चिदोरी भी फुसकी बॉम्ब लगता। चलो मैं जाकर सास्के से पूछ लेता हूँ कि वो चलेगा क्या। बताइए ना, कब निकलना है? मैं सामान पैक करके आता हूँ, आप यही रुकिए छिछोरे बाबा, मैं बस यूं गया और यूं आया। ये घोंचू ही रहेगा, पर चलो मेरा काम तो बन गया। नोबिताची के अलावा भी कोई है जिसके पास ये आंखें हैं? तुम काकाशी हो, है ना? द कॉपी निंजा। मैं तो खुद इस बात से हैरान हूँ, क्योंकि मुझे लगा था रेस्टोरेंट में तो सड़क छाप गुंडे बैठे हैं, पर वहाँ तो बैठे थे इताची उचिहा और किसामी होशिकाकी, हिडन मिस्ट विलेज को धोखा देने वाले शिनोबी। हाँ, क्या बात है, तुम्हें मेरा नाम मालूम है, जानकर अच्छा लगा। और तुम्हारी अजीब सी स्वॉर्ड 7 निंजा स्वॉर्डमैन में से एक की है, इसका नाम है शार्क स्किन, राइट? मैंने सुना कुछ वक्त पहले तुम और साबुसा आपस में टकराए थे। तुमने बिल्कुल सही सुना है। अब तो तुम्हें खत्म करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। किसामे, बस रुक जाओ। अगर तुमने इस आदमी का सामना किया तो तुम्हें भारी पड़ सकता है, उसमें हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और आवाज सुनकर इनके साथ ही यहाँ दौड़े चले आएंगे। तुम्हारे तरीके में जोखिम है और वो किसी काम के नहीं है, अपने मकसद को मत भूलो। चलो मुझे बता भी दो, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? हम कुछ ढूंढ रहे हैं और हमें पता है वो यही है। और क्या है वो चीज? यहाँ क्या ढूंढने आए हो? मैं नहीं चाहता कि इन लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती हो। निंजा आर्ट, वॉटर स्टाइल, वॉटर वॉल। इसके जुत्सु की स्पीड तो कमाल की है, मुझे इसका हैंड साइन तक नहीं दिखा। मेरा ध्यान बढ़ाने के लिए इसने हाथ में शुरिकेन लिया था ताकि ये मुझ पर वॉटर स्टाइल अटैक कर सके। मानना पड़ेगा काफी स्मार्ट हो, तुमने मेरे मूव्स पढ़ लिए, मेरा मतलब लगभग। एक शाडो क्लोन, ये सच में बहुत फास्ट है। एक वाटर क्लोन, इसने ये जुत्सु भी कॉपी कर लिया, ये जानकर मेरे यहाँ के लोग बहुत खुश होंगे। बहुत अच्छे काकाशी। पीछे हटो कुरेनाई, वो उसका एक शाडो क्लोन है। काकाशी, कुरेनाई, उसने अपने ही शाडो क्लोन को खत्म कर दिया। तुम दोनों अलर्ट रहो, ये आदमी 13 साल की उम्र में ही अनबू ब्लैक ऑप्स का चीफ बन गया था। हाँ ठीक है, ये टफ है, हम समझ गए। टफ, ये क्या कर सकता है तुम सोच भी नहीं सकते। तुम उचिहा क्लैन से नहीं हो, फिर भी तुमने शारिंगान को अच्छी तरह मास्टर किया है। फिर भी हम में से एक ना होने पर तुम्हारे अंदर हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है और वो तुम कॉपी नहीं कर पाओगे। इसकी बात सही है, मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ इससे कम है। आखिर ऐसा क्यों है कि उचिहा क्लैन को सब जानते हैं और उससे डरते हैं? मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जब एक शारिंगान का असली वारिस उसे इस्तेमाल करता है तब क्या होता है। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, अपनी आंखें बंद करो, उसकी तरफ मत देखना। Close your eyes. Don't look at his eyes. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए आंखें मत खोलना, अगर तुमने उसकी आंखों में देखा तो तुम नहीं बचोगे। ये जंग मुझे अकेले ही लड़नी होगी, इसे अपने शारिंगान से हराना होगा। तुम में काफी काबिलियत है काकाशी, हो सकता है तुम मांगे कि शारिंगान के अटैक से भी बच जाओ। गान और केके गेन का वाला ही मेरा सामना कर सकता है। सास्के। हुँ।
देखते हैं कि तुम इसे कब तक सह पाओगे काकाशी। और फिजिकल मास भी सब मेरे कंट्रोल में। खुद को संभालो काकाशी। तुम बार बार इस दर्द को सहते रहोगे। इसे झूठ मार लेने से दर्द कम नहीं होगा। अब ये देखने में मजा आएगा कि तुम इस दर्द को कब तक सह पाओगे। नारुतो, एक अरसे के बाद आपसे मिला हूं जिराया। सालों बाद आप इस विलेज में वापस आए हैं। काकाशी, अब से मैं नारुतो को ट्रेन करूंगा। थर्ड होकागे ने लड़के की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर बिल्कुल सही किया। तुमने उसका अच्छा ख्याल रखा है और उसे तैयार करने के लिए तुम्हारी दी हुई ट्रेनिंग काफी। शुरुआत में उन्होंने छोटे मोटे हमले और लूटपाट की, लेकिन वो बहुत पावरफुल हैं, इसलिए जरूर उनका कोई बड़ा मकसद भी होगा। वो मामूली शिनोबी नहीं है। उस ऑर्गेनाइजेशन के लगभग हर एक मेंबर का नाम बिंगो बुक में एस क्लास क्रिमिनल के तौर पर दर्ज है। इताची उचीहा वो भी उन्हीं में से एक है। अब इस तरह के शिनोबी समाज सेवा करने के इरादे से तो एक साथ नहीं आए होंगे, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम समझ गए होगे कि उनके आग्रूप डिवाइड होने लगा और उचीमारु उनसे अलग हो गया, जबकि बाकी सब दो दो के पेयर्स बनाकर अलग अलग जगह से नए जुत्सु सीखने लगे। उनका मकसद है ताकत हासिल करना। तो उसके लिए क्या वो नाइन टेल्ड फॉक्स की तलाश कर रहे हैं? ऐसा हो सकता है उन्हें उसी की तलाश हो, क्योंकि खुद नाइन टेल्ड फॉक्स के पास बहुत सारे चक्र जो है। काकाशी, नारुतो के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या है और उसे हर समय अलर्ट रहने की जरूरत क्यों है। यही उसकी जिंदगी की सच्चाई है। फिलहाल तुम सास्के पर ध्यान दो, उसे शारिंगान इस्तेमाल करना सिखाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। नारुतो की जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो, उसकी ट्रेनिंग मैं संभाल लूंगा। नारुतो के अंदर जो नाइन टेल्ड फॉक्स है, तुम उसी के लिए यहाँ पर आए हो, है ना? और तुम अकेले नहीं आए हो, तुम्हारे जैसे सात और भी हैं जो तुम्हारी तरह तलाश कर रहे हैं। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम लोग खुद को अकात्सुकी कहते हो, सही कहना? अकात्सुकी? किस्सा में हम काकाशी को साथ ले जाएंगे, हमें बाकियों की जरूरत नहीं, इन्हें ठिकाने लगा दो। वाह, अब ये कौन है? मैं हूँ गाय, लीफ विलेज का सबसे हैंडसम और खतरनाक कंटेंडर, गाय जुत्सु का सेंसे। तुम ताइजुत्सु सेंसे हो? तुमने ये कटोरा कट कहाँ से करवाया? इसे अंडर एस्टिमेट मत करना। ये वही है इताची। बेचारे काकाशी का इन्होंने क्या हाल कर दिया? अपनी आंखें बंद करो और उसकी तरफ मत देखना, वरना तुम उसके जुत्सु में फंस जाओगे। रिलैक्स, मुझे पता है मुझे क्या करना है। काकाशी से फाइट के लिए ट्रेनिंग करते करते मैं शारिंगान के बारे में सब जान गया हूँ। असुमा कुरनाई, तुम दोनों अपनी आंखें खोलो। डोंट वरी, बस उसकी आंखों में मत देखना। शारिंगान वालों से लड़ने का बस यही एक ट्रिक है। इसके पैरों की तरफ देखो, इसके पैरों के मूवमेंट देखकर तुम इसके अटैक समझ जाओगे। हाँ ठीक है, पर ये सब कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। हमने तुम्हारी तरह ट्रेनिंग नहीं की है, हम तुम्हारी तरह नहीं है गाय। सही कहा, अपोनेंट के पैरों को देखकर उसके अगले मूव को समझने के लिए स्किल चाहिए, और मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए तुम्हें अपना बेस्ट करना होगा। तो अब हम करें क्या? कुरनाई, काकाशी को मेडिकल कॉप्स के पास ले जाओ। असुमा, तुम मुझे बैकअप दो। समझ गया। ठीक है असुमा, मैंने आनबु ब्लैक ऑप्स को खबर कर दी है, जब तक वो यहाँ आते हैं हम दोनों मिलकर इन्हें आगे नहीं जाने देंगे। क्या बात है, तुम में बहुत हिम्मत है। नहीं किसान, हमें यहाँ से चलना होगा। हम यहाँ कोई जंग लड़ने के लिए नहीं आए। तुम्हारा लड़ने का मन होगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। चलो चले। तुम भी ना इताची, मजे कर नहीं देते। इन लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है। ऑल राइट, मैं तैयार हूँ। तो चले। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ ज्यादा ही पैकिंग कर ली है? वैसे तुम्हें पता है ना कि हम दुनिया घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं।